वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ये टॉपिक जो आज हम शुरू करने लगे हैं इसका ताल्लुक़ अकाउंट्स से है अकाउंट्स इसका मतलब है खाते और खाते में हम लोग क्या लिखा करते थे इसमें हम सारा हिसाब किताब जो हम अपने बिजनेस के साथ मुंसलिक करते हैं वो सारा हम इन खातों में लिखा करते थे और जब भी हम अकाउंट्स या खातों की बात करते हैं तो हमारे जहन में बड़ी बड़ी खाते वाली किताबें और मुंशी आते हैं और ये सही भी है क्योंकि अकाउंट्स मेंटेन करना एक स्पेशलाइज्ड काम है और मुंशी इन कामों के लिए स्पेशलाइज्ड हुआ करते थे इन खातों को मेंटेन करना या अकाउंट्स को मेंटेन करना क्यों जरूरी है इसलिए ज़रूरी है ताकि हर बंदा ये जान सके जो भी बिज़नेस कर रहा हो जो छोटा दुकानदार हो या बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो उसे ये पता होना चाहिए कि उसके पास इस पूरे बिजनेस से कितनी आमदन हो रही है और कितना खर्चा हो रहा है और ख़र्चे भी किस किस मद में हो रहे हैं और आमदन भी किस किस मद से हो रही है और उसकी कौन सी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मकबूल है और बहुत अच्छा मुनाफा कमा रही है ये सब जानने के लिए हमें ये खाते मेंटेन करना पड़ते हैं इन खातों को मेंटेन करने का पुराना तरीका तो किताबों में लिखना था लेकिन अब यह सहूलत हमें मैसर आ गई है कि हम ये सारा काम कंप्यूटरों से लेते हैं और इस वक्त दुनिया के तमाम अकाउंटिंग सिस्टम्स पुराने कार को नए तरीक़ेकार में इस तरह से बतदरीज बदल रहे हैं कि हमारे सारे खाते ऑटोमेटेड होते चले जा रहे हैं छोटा दुकानदार हो वो भी एक अपने खाते मेंटेन करता है और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी यही खाते मेंटेन करते हैं रीज़न क्या है रीज़न ये है कि आपको रोज़ाना का अपनी जितनी भी चीज़ें आपने बेची और जितनी भी चीज़ें आपने ख़रीदी इन सब का तयन करना पड़ता है और इसी से आपका कारोबार चलता है अच्छा ये काम सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल या ख़रीदो फरोख के लिए या इस तरह की कंपनियों के लिए नहीं है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इकनॉमिक्स में या पैसे कमाने की दौड़ में है ये तमाम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हो या कोई भी कंपनी हो उन सब को अकाउंट्स मेंटेन करना ज़रूरी है अच्छा इसकी रीज़न क्या है ताकि लोगों को बता सकें कि जितने पैसे जितनी आमदन हमारी हुई है वो हमने सही तौर पे खर्च की भी है या नहीं तमाम कंपनियां इन अकाउंट्स को मेंटेन करती है और अब ये अकाउंट्स लोगों से ऑडिट करा के उन लोगों को शरारत दारों को या शेयर होल्डर्स को दिखाए जाते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि कंपनी इकनॉमिकली और फाइनेंशली किस डायरेक्शन में जा रही है जब से कंप्यूटर की आमद हुई है ये सिलसिला और आसान हो गया दुनिया में इस वक्त बहुत सारे बड़े बड़े नाम अकाउंटिंग सिस्टम्स बना रहे हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले सिस्टम्स वो हैं जो स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइजेस को फोकस करते हैं स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज़ में कौन सी कंपनी आती हैं इसमें वो तमाम दुकानदार छोटी इंटरप्राइजेज़ और इस तरह की छोटी कंपनियाँ आती हैं जो डे टू डे अपना अकाउंट मेंटेन और देखना चाहती हैं ये कस्टमर के साथ भी काम कर रहे होते हैं और इनके सप्लायर और वेंडर के भी रिकॉर्ड रखना चाहते हैं इस तरह के कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंटिंग सिस्टम बहुत सारे दुनिया में राइज हैं लेकिन जो सबसे मशहूर आजकल और सबसे आसान इस्तेमाल के लिए चल रहा है उसमें सबसे ऊपर जो नाम आता है वो आता है क्विक बुक्स का इंटवेट का बना हुआ ये क्विक सिस्टम इस वक्त पूरी दुनिया में राइज है पाकिस्तान में भी इसके बहुत ज़्यादा यूज़र हैं और इस वक्त सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये बहुत सस्ता और कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है जो तमाम लोगों की ज़रूरियात पूरी कर देता है और हम लोग भी इस अपने टॉपिक पे जो हम हमारा मेन टॉपिक है वो है क्विक बुक्स देखें समझें और उसे इस्तेमाल करना सीखें तमाम सिस्टम्स जो कि कंप्यूटर में मौजूद हों मौजूद हैं वो उसी तरह चलते हैं जिस तरह कंप्यूटर पे और कोई सिस्टम चलता हो तो आइए हम देखते हैं कि क्विक बुक्स इस्तेमाल करते हुए हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी और इसे समझने के लिए हमें अकाउंट्स की क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ेंगी क्विक बुक्स एक आसान सॉफ्टवेयर है लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा बहुत अकाउंटिंग का या हिसाब किताब का कुछ ना कुछ आपको इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सबसे पहली चीज़ क्विक बुक्स या तो आपके कंप्यूटर पर मौजूद हो या आपने इसको एक महीने के लिए इसकी फ्री डेमो वर्जन ले लिया जब भी आप क्विक बुक इस्तेमाल करेंगे तो आपके डेस्कटॉप के ऊपर क्विक बुक्स का लोगो नजर आएगा हम जो क्विक बुक इस्तेमाल करने लगे हैं वो कहलाता है क्विक बुक्स प्रो टू जीरो वन सिक्स और मैं सिर्फ आपको इसका एक पहला स्क्रीन शॉट दिखाऊंगा कि जब आप इंस्टॉल करके इसे चलाएंगे तो आपको क्या चीज़ नजर आएगी नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह से लॉन्च और इस्तेमाल करते हैं Dear students, assalamu alaikum. In this session, we are going to start off from where we left off in our last session. That is, we have started our QuickBooks, and now we are going to create a company file. Why do we need a company file? Because all accounting is going to be done for a single entity, a company. Hum sari accounting ek company ke liye wo ho, ya badi industry. Sari accounting कंपनी के नाम पर की जाएगी जिसे हमें सबसे पहले क्विक बुक्स में रजिस्टर करना है उसकी तमाम इंफॉर्मेशन हमें रजिस्टर करवानी पड़ेगी नंबर दो इसकी ज़रूरत क्या है इसकी ज़रूरत इसलिए है कि हमारी तमाम रिपोर्टिंग अपने शेयर होल्डर्स के लिए उस कंपनी की रिपोर्ट्स के थ्रू होती है और हम अपने तमाम अकाउंट्स जो मेंटेन करते हैं वो उस कंपनी के रिकॉर्ड में जाते हैं क्विक बुक्स किस तरीके से ये कंपनी क्रिएट करवाती है और मेंटेन करती है वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे जब हम क्विक बुक्स में एंटर होंगे तो सबसे पहली चीज़ जो हमें नज़र आएगी वो ये वाली स्क्रीन है इसमें अभी कोई कंपनी ओपन नहीं है अगर आप पहले से कंपनी बनाई हुई है वो आप खोल सकते हैं लेकिन क्योंकि हमने अभी तक कोई कंपनी नहीं बनाई तो हमें एक कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी क्रिएट करने के बहुत से तरीक़े हैं सबसे पहला तरीका तो ये है कि यहाँ ये बटन लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू कंपनी दूसरा तरीका जैसे कि ये विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर है आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जाके आप न्यू कंपनी क्रिएट कर सकते हैं जैसे ही आपने इस मेन्यू बार के इस आइटम को क्लिक किया क्विक बुक्स आपसे पूछ रहा है कि क्या आप इसे इजी स्टेप से स्टार्ट करना चाहेंगे तो मेरा मशवरा ये है कि हम ये स्टार्टअप एडवांस सेटअप के थ्रू करें उसकी रीज़न क्या है उसकी रीज़न ये है कि इस तरह हम तमाम वो स्टेप से गुजर जाएंगे जो एक कंपनी क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है आपने करना ये है कि आपने या यहाँ से या फाइल मेन्यू के थ्रू न्यू कंपनी क्रिएट करनी है और दूसरा काम अदर ऑप्शंस में जाके एडवांस सेटअप को क्लिक करना है जैसे ही एडवांस सेटअप का आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एंटर योर कंपनी इन्फॉर्मेशन की स्क्रीन आ जाएगी जिसमें एक ही रिक्वायर्ड फील्ड है जिसका नाम है कंपनी नेम इधर हम इस कंपनी का नाम दे देते हैं इसके बाद ये हमसे पूछता है कि अगर इस कंपनी का कोई लीगल नेम है जिससे ये रजिस्टर्ड है तो वो भी डालो अगर वो दोनों एक ही हैं तो हम ऊपर से कॉपी करके पेश कर देते हैं तीसरी चीज टैक्स आई डी बास कंपनियों के पास एन टी नंबर होता है और बास अपने शनाख्ती कार्ड नंबर के तहत चल रही होती है क्योंकि यहाँ सिर्फ नौ डिजिट आप एंटर कर सकते हैं और अगर आपके पास एन टी नंबर है तो आप यहाँ डाल दें और अगर नहीं भी है तो यहाँ डालना ज़रूरी नहीं है यहाँ आप अपनी कंपनी का एड्रेस डालें जहाँ कंट्री लिखा हुआ है वहाँ आप जाके चेक करेंगे तो पाकिस्तान का नाम आपको कहीं नहीं मिलेगा लेकिन फ़िलहाल ये नाम नहीं है लेकिन इन जल्द यहाँ भी पाकिस्तान का नाम आ जाएगा इस केस में आप यहाँ अदर डाल सकते हैं इसी तरह से फ़ोन नंबर फैक्स नंबर और ई एड्रेस और अपनी कंपनी की वेबसाइट अगर है तो ये ज़रूर रजिस्टर करवा लें याद रहे कि हम ये चीज़ें बाद में भी रजिस्टर कर सकते हैं और जरूरी नहीं कि हम ये पहली दफा में डाल दें लेकिन आपको ये स्टेप करना इसलिए ज़रूरी है कि आपका कंपनी नेम वो नाम है जिस पे हम ये तमाम चीज़ें रजिस्टर करेंगे और यही हमारा पहला स्टेप है अगले स्टेप में आपने नेक्स्ट दबाना है और ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी कंपनी किस नोयीत का काम कर रहा है सिलेक्ट योर इंडस्ट्री हमारी कंपनी जिसका नाम काराकुरम कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल्स था नाम से ही जाहिर है कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और हम लोग इसको एज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी ही रजिस्टर करेंगे काराकुरम कंस्ट्रक्शन कंपनी जो हमने बनाई है वो एक फर्जी कंपनी है लेकिन हमने उसे क्योंकि अपने आने वाले सेशन में इस्तेमाल करना है अकाउंटिंग के लिए इसलिए हम यहाँ उसे रजिस्टर कर रहे हैं इधर एक लंबी लिस्ट आपको मिलेगी जिसमें हर किस्म की कंपनी हर किस्म की टाइप ऑफ कंपनी के बारे में लिखा होगा जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी कंपनी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है तो इसलिए हम इसे कंस्ट्रक्शन जनरल कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट करेंगे अगली स्क्रीन पे वो हमसे पूछ रहा है कि ये कंपनी क्या आपकी इंडिविजुअल कंपनी है सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है या लिमिटेड कंपनी है अगर इनमें से कुछ नहीं है तो आप अदर या नन कर दें लेकिन अगर आपकी ये कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप है कि आप इसके ओनर हैं और आप ही चला रहे हैं तो आप इसे ज़रूर टिक करें और नेक्स्ट का बटन दबाएं। फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर आपके अकाउंटिंग का स्टार्टिंग पीरियड बताता है और फाइनेंशियल ईयर बेसिकली पाकिस्तान में जुलाई से जून तक रहता है और ये वो पीरियड है जिसमें हम अकाउंटिंग कंप्लीट करते हैं और इसी में हम इसके बाद जून में जाके हम देखते हैं कि हमें इस पूरे बिजनेस में मुनाफा हुआ या नुकसान हुआ प्रॉफिट एंड लॉस का तयन इन इस पीरियड में किए गए तमाम इकदाम से होता है अगली स्क्रीन हमसे कहती है कि क्या आप अपनी फाइल के ऊपर कोई पासवर्ड लगवाना चाहते हैं हम चाहेंगे कि हमारी फाइल पे कोई ना कोई पासवर्ड लगे लेकिन फिलहाल हम इस पर कोई पासवर्ड नहीं लगा रहे उसकी वजह यह है हम बार बार हम इस फाइल को इस्तेमाल करेंगे और बार बार हमें ये पासवर्ड देना पड़ेगा हमें आसानी के लिए नहीं लगा रहे लेकिन अगर आपका कंप्यूटर किसी और के इस्तेमाल में भी रहता है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड ज़रूर लगाएँ अब ये आपसे पूछ रहा है कि क्या मैं आपकी ये फ़ाइल क्रिएट कर दूँ तो इसका जवाब है कि आप ये फ़ाइल क्रिएट कर दें अब ये पूछेगा कि ये फाइल मैं कहाँ क्रिएट करूँ ये फ़ाइल आप वहीं क्रिएट कराएँ जहाँ ये आपको सजेस्ट कर रहा है इसने आपकी कंपनी का पूरा नाम इस्तेमाल किया है उसे इस्तेमाल करने दें और इसे जाके यहाँ सेव का बटन दबाएं। अब आपकी फाइल कंपनी की क्रिएट हो रही है और चंद सेकंड में ये क्रिएट हो जाएगी अब हम आगे आने वाले तमाम अकाउंट रिलेटेड रिकॉर्ड कीपिंग और मेंटेनेंस इस फाइल के ऊपर करेंगे